भारत अर्थनीति को आगामी दिन में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र विशेष भाव समृद्ध करने को जाशार एक बलिष्ठ योगदान सेप्टेम्बर 12-14 तारीख नुआ दिल्लीर प्रगति मैदान होगा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 अंतर्जातीय कार्यक्रम और प्रदर्शनी रे एही वार्ता देबाकू जाउछि ओडिसा। विज्ञान और वैषयिक विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्र नेतृत्व में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी वैज्ञानिक एवं विभिन्न स्टार्टअप को नहीं ओडिसा सरकार का एक टीम एही कार्यक्रम में भाग नेबाकू जाउछि। ओडिशारे व्यापक प्राकृतिक संपद सहित जैव विविधतार अपूर्व संभार रही घंच जंगल और जैव मंडल विभिन्न औषधीय वृक्षरे भरपूर पर्वत वन्य प्राणी अभयारण्य चिलिका ह्रद यह सहित आवश्यक गवेषणा अत्याधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग शिल्प भित्तिभूमि सृष्टि फल बायोटेक्नोलॉजी शिल्प प्रतिष्ठापी ओडिशा भारत एक प्रमुख लक्ष्यस्थल होगा। ओडिशा बायोटेक्नोलोजी गोटे संभावना राज्य कारण एठारे भीतर कनिका भलिया स्थान भी अच्छी चिलिका भलिया ह्रद भी अच्छी 480 किलोमीटर बेलाभूमि अच्छी घंच जंगल अच्छी जो माने मेडिसिन तैयारी करिवे जो माने बायोटेक्नोलोजी नहीं अनेक प्रोजेक्ट करछंती होची अनुकूल राज्य आमे सबु एंटरप्रेन्योर मानू निवेदन करिबु से इन्वेस्ट एटी करंतु राज्य सरकार सबु प्रकार सहयोग करिया पे प्रस्तुत अछि। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कार्यक्रम रे विभाग पक्षरु स्वतंत्र ओडिशा पैविलियन खोला जाउछि। एथिरे राज्यर 10टी अभिनव बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप अंशग्रहण करी सेमानकर ज्ञान कौशल और उत्पाद प्रदर्शन करिबे। एही कार्यक्रम रे 13 तारीख दिन हेबाकु थिबा स्टेट राउंड टेबल सम्मेलन रे विभागीय प्रमुख शासन सचिव चित्रा आरुमुगम जोग देबे। ओडिशार बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र रो विपुल संभावना एवं शिल्प स्थापना पई ओडिशा सरकार देउथुबा विभिन्न प्रोत्साहन विषय रे से उपस्थापन करिबे। तेबे ही कार्यक्रम रे ओडिशार बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र रे काम करथुबा उच्च शिक्षा और गवेषणा अनुष्ठान रो मुख्य अध्यापक एवं वैज्ञानिक मानकर एक प्रतिनिधि दल जोग देबे। भारत रे एक क्षेत्र रे हेउथुबा विभिन्न वैज्ञानिक गवेषणा और उद्योगी परीक्षा निरीक्षा विषय रे सेमाने अनुभूति हासिल करिबे। भुवनेश्वर अजय रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।